हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे अंक से दो वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन में जो है प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो पारा। ठीक, पारा जो है द्रव अवस्था में जो है पाई जाने वाली धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक मात्रा धातु है तो ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक मात्रा धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है तो एमीटर से। ठीक, विद्युत धारा किससे मापी जाती है तो एमीटर से मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियाँ हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ठीक, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। ठीक, ये सभी जो है असदिश राशियाँ हैं, त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का सबसे छोटा कण या फिर भाग कहलाता है तो परमाणु। ठीक, परमाणु जो है तत्व का जो है सबसे छोटा कण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु। ठीक, अणु जो है रासायनिक यौगिक का जो है सबसे छोटा यूनिट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के तीन मौलिक कण हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, परमाणु के तीन मौलिक कण कौन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो JJ थॉम्सन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है JJ थॉम्सन के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने। ठीक, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा जो है किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित। ठीक, प्रोटॉन क्या होता है तो धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण होता है। ठीक, न्यूट्रॉन क्या होता है तो एक आवेशहीन कण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने। ठीक, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो आंसर है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यानी कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है ऑक्सीकरण कहलाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो कि अवकरण कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना। ठीक, प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन का भार का जो है 1840 गुना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। ठीक, वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण जो है एनोड पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, परमाणु के नाभिक की खोज जो है और रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक, एक तत्व के परमाणु में जो है प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या जो है परमाणु संख्या कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाता है तो समस्थानी कहलाता है। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाता है तो समस्थानी कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाती है तो संभारी कहलाती है। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या जो भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाती है तो संभारी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था तो मेंडेलीफ ने। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी को जो है मेंडेलीफ ने जो है प्रस्तुत किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं तो आंसर है क्रमशः वर्ग यानी ग्रुप तथा आवर्त। यानी कहने का मतलब है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को जो है वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को जो है आवर्त कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन। ठीक, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो डोब्रेनियर ने। ठीक, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है डोब्रेनियर ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्गों तथा अवर्तों की कुल संख्या होती है तो क्रमशः 18 तथा 7, यानी कहने का मतलब है आधुनिक अवध सारणी में वर्गों की कुल संख्या जो कि 18 होती है और आवर्तों की कुल संख्या जो कि 7 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लान के, ठीक, नॉन स्टिक बर्तन जो है टेफ्लान के बने होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो गैंग, ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है तो गैंग कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों या अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातु कर्म, ठीक, खनिजों से जो है अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है तो धातु कर्म कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड का, ठीक, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग जो है अमोनिया क्लोराइड का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण, बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पटाखों में हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम यानी एसआर की उपस्थिति के कारण, ठीक है, आतिशबाजी के दौरान जो है लाल चटक रंग जो है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण से होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को, ठीक, हाइड्रोजन को जो है भविष्य का जो है ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।